नमस्कार दोस्तों, आज का एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे तैयार किया गया है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं और विशेष तौर पे लड़कियां हैं, आप लड़कियों के अभिभावक हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए जो अधिकार कानून ने दिए हैं कि उनके विरुद्ध कोई अपराध घटित होते हैं, तो उस अपराध के घटित होने में कौन कौन से कानून हमें काम में लेने हैं, तो वो हम बात करेंगे। तो विशेष तौर पे वे अभिभावक इस वीडियो को पूरा देखें जिनके घर पे छोटी बेटियां हैं, माइनर बच्चियां हैं, साथ ही साथ बच्चे भी हैं, तब भी ये वीडियो आज का महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूं उससे पहले आपसे निवेदन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। उस निर्णय में यह कहा गया है कि अगर बिना टच किए कपड़ों के ऊपर से भी किसी बच्चे के जो अंग है उनको अगर छुआ जाता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है और उसे पॉक्सो एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके अनुसार अगर आप कपड़ों के ऊपर किसी बच्चे के अंतरंग अंगों को छूते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं है। तो एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी, इस हिसाब से आप बच्चे के अंगों को दस्ताने ग्लव्स पहन के छुए तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो उस फैसले को उलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अगर बदनीयति से, बुरी नियति से बच्चे के अंगों को अगर कपड़े के ऊपर से भी छुआ जाता है, टच किया जाता है, तो वो भी यौन अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है और उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। अब बार बार एक बात आ रही है पॉक्सो एक्ट। ये पॉक्सो एक्ट क्या है, किस प्रकार इसको लागू किया गया, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपके साथ चर्चा करूंगा। तो पॉक्सो एक्ट क्या है, किस प्रकार आप इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो पॉक्सो एक्ट है वो अब 14 नवंबर 2012 को देश भर में इसको लागू किया गया था और 18 वर्ष से कम उम्र के सभी लड़के, लड़कियां और ट्रांसजेंडर इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। और क्या क्या ये कवर करता है पॉक्सो एक्ट, यौन उत्पीड़न, शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है। कानून जो है पूरे भारत में समानता से लागू किया गया है। स्पेशल कोर्ट में कैमरे के सामने सुनवाई होती है और फिजिकली के साथ साथ इसका ऑनलाइन हैरेसमेंट को भी कवर किया गया है। यानी ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज के जमाने में हमारे सारे बच्चे ऑनलाइन इंटरनेट पे बैठे रहते हैं, तो ऑनलाइन के हरेसमेंट को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण बात इस कानून में लिखी गई है। तो दोस्तों, हम अब समझते हैं कि इस पॉक्सो एक्ट में आखिर होता क्या क्या है, चाइल्ड सेक्सुअल क्राइम की जो कैटेगरी है वो क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, आप देखिए इसके अंदर गलत नियत से अगर बच्चों के साथ अश्लील बातें की जाती है, इशारे किए जाते हैं, तो वो भी पॉक्सो एक्ट यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ गलत नियत से अश्लील बातें करना और इशारे करना भी कानून अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा बच्चों के जो संवेदनशील या प्राइवेट पार्ट जो है उनको गलत इरादे से, बदनीयति से टच करना, ये भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। बच्चों का पीछा करना, बच्चे स्कूल जाते हैं, कहीं ट्यूशन जाते हैं, उनका लगातार पीछा किया जाता है, तो बच्चों का पीछा करना और अकेले में रोककर गलत बातें करना, यह भी इस अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। बच्चे को एक्सपोज करना या उनके सामने खुद एक्सपोज होना, अपने कपड़े वगैरह निकाल देना, यह भी इसमें अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। उसके अलावा बच्चे को पोर्नोग्राफिक मैटेरियल दिखाना, और उनका जबरदस्ती इस्तेमाल करने के लिए उसको प्रेरित करना, प्रोड्यूस करना, यह भी इसमें अपराध में शामिल किया गया है। बच्चे को अश्लील साहित्य पढ़ाना,
अश्लील साहित्य की किताबें, कहानियां जो भी है उनको पढ़ाना, ये भी इसके अंदर सम्मिलित है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में, वो है ऑनलाइन हरेसमेंट। क्योंकि आजकल बहुत ऐसे केसेस हैं, कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि बच्चे को पता भी नहीं चला और उसका ऑनलाइन हरेसमेंट हो गया। ऑनलाइन बैठे रहते हैं बच्चों के साथ, इस तरीके से माहौल बनाया जाता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता, बच्चा सोचता है उसे किसी चीज का इलाज या उपाय बताया जा रहा है, जबकि उस वक्त उसका ऑनलाइन हरेसमेंट हो रहा है या ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करके पोर्नोग्राफी का तक को रिकॉर्ड किया गया है। तो ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे बच्चे जो है वो ऑनलाइन के आदि हो चुके हैं। नेट के सामने वो सारे दिन बैठे रहते हैं, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उनके साथ कब गलत काम कर लिया गया है। तो ये ऑनलाइन हरेसमेंट को भी इसमें कवर किया गया है। सोशल मीडिया में बच्चों को अश्लील फोटो या मैसेज भेजना भी इस अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। ऐसे मामले में आईटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाती है, आईटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाती है। इसलिए हमें हमारे बच्चों के साथ, ईश्वर न चाहे ऐसी कोई घटना घटे, लेकिन अगर ऐसी घटना घट जाती है तो हमें डरना नहीं है, दबना नहीं है, खुलकर उसका विरोध करना है और हमें केस जरूर दर्ज करना है, पुलिस केस जरूर दर्ज करवाना है। क्यों? क्योंकि इस केस में, इस पॉक्सो एक्ट के तहत कानून में बच्चों की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है। पूरी की पूरी शिकायत से लेकर सुनवाई तक बंद कमरे में होती है और प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है, ताकि बच्चा जो है वो अपना बयान देते वक्त किसी प्रकार की हरेसमेंट या गिल्टी फील न कर सके। इसलिए बंद कमरे में जज, वकील और कुछ महत्वपूर्ण लोगों के सामने ही सुनवाई होती है। पूरी सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। बच्चे के साथ साथ बच्चे के परिवार की भी गोपनीयता रखी जाती है। किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में मीडिया को बच्चे या बच्चे के परिवार को के नाम छापने की इजाजत नहीं दी गई है इस एक्ट में। एक्स वाई या कोई एक काल्पनिक नाम जरूर मीडिया वाले छाप सकते हैं, लेकिन उसकी पहचान को उजागर नहीं किया जा सकता। सुनवाई भी जो है वो बंद कमरे में वकील, जज और परिवार के सदस्यों के सामने ही की जाती है। तो ये जो पॉक्सो एक्ट है वो आपको इस प्रकार की सुविधाएं देता है। तो उम्मीद करता हूं आपके घर में छोटे बच्चे हैं, विशेष तौर पे लड़कियां हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।